हाय जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको SSD के बारे में बताने जा रहा हूँ और हार्ड ड्राइव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हार्ड ड्राइव और SSD में बेसिकली अंतर क्या होता है और SSD किस तरीके की दिखती है और SSD में किस तरीके के मतलब क्या क्या वेरिएंट आते हैं और कौन कौन सी SSD आती है मार्केट के अंदर और हार्ड ड्राइव कौन सी होती है, हार्ड ड्राइव की स्पीड क्या होती है, SSD की क्या स्पीड होती है। तो आज मेरे पास में सारी चीज़ अवेलेबल है, तो मैं आज आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, A to Z SSD और हार्ड ड्राइव के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हार्ड ड्राइव आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास में हार्ड ड्राइव है WD की, वेस्टर्न डिजिटल की मेरे पास में हार्ड ड्राइव है और ये HDD हम बोलते हैं इसे, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD की जो फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसे HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड ड्राइव जो है अभी मार्केट के अंदर मिनिमम आपको 500 GB से स्टार्ट, क्योंकि 500 GB से नीचे की जो इतनी भी हार्ड ड्राइव होती हैं वो ऑब्सोलीट हो रखी है मार्केट में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको 500 GB से लेके आपको 2 TB 6 TB तक मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो वो आपके स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके का स्टोरेज कितना चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उसे बाय कर सकते हैं। और ये जो हार्ड ड्राइव है बेसिकली ये लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, सेम लुक एंड फील में आपको डेस्कटॉप की, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं बड़े से जिसमें CPU मॉनिटर अलग अलग होता है, तो जो डेस्कटॉप होते हैं डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव अलग होती है और ये लैपटॉप की साइज़ की हार्ड ड्राइव है, तो ये लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है। डेस्कटॉप से जो लैपटॉप की डेस्कटॉप की जो हार्ड ड्राइव होगी वो डबल हार्ड ड्राइव होगी, इससे जो साइज़ होगा उससे ज़्यादा बड़ा होगा। और इसके अलावा इसके अंदर मैं इंटरनली इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो होती है हार्ड ड्राइव इसके अंदर आपको एक लेंस देखने को मिलेगा और इसके अंदर प्लेट्स होती हैं और मेटल की प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर रीड राइट होता है डेटा। और इसके अंदर जो स्पीड काउंट होती है वो RPM से काउंट होती है, RPM मतलब राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको प्लेट्स होती हैं मेटल की, उस जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं और इसके ऊपर जो लेंस होता है वो रीड करता है और राइट करता है। तो इसके अंदर लेंस और प्लेट्स होती हैं, तो जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं, तो जो उसकी मूविंग की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपको रीड राइट स्पीड मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 5400 RPM राउंड पर मिनट की आपको हार्ड ड्राइव होगी और 7200 RPM उससे ऊपर भी आती है, और वो डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। मोस्टली जो हार्ड ड्राइव आपको मार्केट में मिलेगी 5400 RPM की मिलेगी और 7200 RPM की मिलेगी। तो टोटली ये जो है, ये टोटल हार्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बताया है। और इसके अलावा मैं आपसे इसके बाद में आपको एक और इसके बारे में एक और बात बता देता हूँ। हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने के लिए मार्केट के अंदर SSD आ गया है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो वो आपको आने वाले समय में हार्ड ड्राइव ऑब्सोलीट होने वाला ही, ऑब्सोलीट हो जाएगा मार्केट से, और SSD 2 साल 4 साल के बाद में प्रॉपर SSD ही देखने को मिलेगा सारी जगह पर, क्योंकि SSD की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, बेटर देन हार्ड ड्राइव। तो अब मैं बात कर लेता हूँ SSD के बारे में। तो हमारे पास में दो तरीके की SSD होती हैं मार्केट में, जो आपको SSD मिलेंगी या दो तरीके की SSD मिलेंगी। ये जो SSD होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ये जो SSD होती है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल नई SSD है, सो इसमें एक मैनुअल आता ही है और ये इस तरीके की हार्ड ड्राइव के शेप में आपको SSD देखने को मिलेगा। ये SSD इसे बोलते हैं साटा SSD, ये जो होता है साटा SSD होता है, इसके आप बॉक्स पर भी देख सकते हैं, ये बॉक्स पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 इंच साटा SSD और ये 120 GB का SSD आपको मिलेगा। तो ये जो SSD है साटा SSD,
ये बेसिकली उन लैपटॉप्स में लगती है, उन सिस्टम्स में लगती है जिनके अंदर M.2 स्लॉट नहीं होता है। M.2 मतलब जो दूसरी जो SSD आती है, जैसे PCI NVMe बोलते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा फास्ट होती है, इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये उसके लिए बनाई गई है। जो सिस्टम पुराने हैं जिनके अंदर SSD का कोई स्लॉट नहीं होता, हार्ड ड्राइव होती है और DVD राइटर होता है, तो हार्ड ड्राइव की जगह पर ये वाला SSD लग जाता है। तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रॉपर बताया था कि जिसके पास में पुराना लैपटॉप है और वो पुराने लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला SSD लगेगा, साटा SSD, 2.5 इंच का SSD लगेगा। और उसके बाद में अगर आप SSD और प्लस SSD के अलावा अगर आप उसमें हार्ड ड्राइव भी लगाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपका पुराना लैपटॉप है और आप ये चाहते हैं कि SSD तो मेरा प्राइमरी हो जाए, इससे इसमें OS आ जाएगा, विंडो, MS ऑफिस और सारी एप्लीकेशन इसके अंदर आ जाएंगी और ये प्राइमरी हो जाएगा, और आपको जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो हार्ड ड्राइव भी आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कैडी आती है। ये जो कैडी आती है DVD राइटर के सेफ में आती है, DVD राइटर जो होता है ना उसके बिल्कुल सेफ में आती है, तो DVD राइटर निकल जाता है उसकी जगह पे, ये कैडी लग जाता है। कैडी कैसे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम ओपन करेंगे, इसे हम बोलते हैं कैडी। इसके अंदर आपको ये स्क्रू मिलते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है इसके साथ में, और इस तरीके का कैडी होता है, इस सेफ में होता है कैडी। तो इसमें क्या होगा, ये जो हार्ड ड्राइव है हमारे पास में, जो हार्ड ड्राइव आपके पास से निकलेगी, वो हार्ड ड्राइव को हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। लगाने के बाद में इसको DVD राइटर की जगह पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो आपको डुअल स्टोरेज दोनों आप चला सकते हैं, SSD भी आप चला सकते हैं, प्लस आप इसमें ये कैडी लगाने के बाद में हार्ड ड्राइव इसमें इंसर्ट करने के बाद आपको इसमें हार्ड ड्राइव भी साथ में यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बनाने के बाद। और इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ PCI NVMe SSD की, जो कि 15 टाइम तक फास्टर होती है। तो ये भी मेरे पास में साटा SSD है, जिन लैपटॉप्स के अंदर में स्लॉट होता है M.2, तो उसके अंदर ये साटा SSD लग जाता है। साटा भी लग जाता है, NVMe लग जाता है। NVMe और साटा में क्या अंतर होता है M.2 वाले में, वो मैं बता देता हूँ। तो ये वाला SSD ये होता है SSD। तो ये इन्हें बोलते हैं हम नॉच, ये जो खांचेस जो है इन्हें हम नॉच बोलते हैं। ये दो नॉच है इसके अंदर, मतलब डुअल नॉच है इसके अंदर। तो ये दो नॉच वाले जो होते हैं वो साटा SSD होते हैं। साटा SSD मतलब आपका ये जो SSD है इसके बराबर रहेगा, ये जो SSD है इसके बराबर इसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये दोनों साटा SSD हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाता है। रीजन बीइंग ये वाला जो लगता है ये वायर के थ्रू लगता है, हार्ड ड्राइव के जो मदरबोर्ड से वायर होता है उसके थ्रू लगता है, जिससे कि डेटा की स्पीड एक फिक्स्ड होती है, उससे ऊपर रीड राइट नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा डेटा शेयर नहीं हो सकता। लेकिन इस ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर लग जाता है SSD, तो इससे क्या होता है आपको परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा मिल जाती है। और ये साटा SSD है, जो NVMe SSD होता है, NVMe जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, उसके अंदर आपको ये सिंगल नॉच मिलेगा। इसमें ये डबल नॉच है, उसमें सिर्फ एक ही नॉच होगा, इसमें दो नॉच नहीं होगा। सिंगल नॉच वाला क्या होता है, वो साटा SSD होता है। और ये कौन सी SSD होता है, ये आपका सॉरी ये साटा SSD होता है और वो NVMe होता है, PCI NVMe, उससे क्या होता है परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको उसी में देखने को मिलेगी PCI NVMe के बारे में। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि SSD और हार्ड ड्राइव के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है, वो मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ दोनों चीज़ों को। तो ये आपके ये हार्ड ड्राइव है और ये SSD है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हार्ड ड्राइव जो होता है ये स्पेस ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये इसका साइज बड़ा है,
और ये जो है ये स्पेस कम लेता है क्योंकि ये बिल्कुल इसका जो साइज है बहुत कम साइज है। दूसरा अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ तो इसके अंदर कोई वेट नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर वेट है, और इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है तो इससे क्या होता है लैपटॉप के साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और लैपटॉप के अंदर वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर हार्ड ड्राइव होगा तो थोड़ा सा वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, SSD वाले में आपको लाइट वेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे कि इसमें प्लेट्स हो गया, लेंस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनली, वो सब इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता लाइक ए चिप। तो इससे क्या होता है आपका कोई भी वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता लैपटॉप के अंदर, तो इसमें कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता SSD का, एक ये बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेता है, लाइट बहुत कम लेता है, तो आपको क्या होता है बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है लैपटॉप के अंदर। और इसके अंदर क्या थोड़ा सा ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप कम मिलता है हार्ड ड्राइव वाले सिस्टम के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या है कि ये गिर गया तो गिरने के बाद ये इसमें डेटा क्रैश नहीं होता, ये ख़राब नहीं होगा आपका जल्दी से, ख़राब क्या बहुत कम चांस होते हैं गिरने के बाद भी आपका डेटा सेफ होता है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर जो डेटा सेव होता है उसके अंदर चिप होती है वो भी बहुत अच्छे से सोल्ड होती है तो कोई भी इशू होता नहीं है। लेकिन अगर ये आपका गिर जाता है मतलब लैपटॉप आपका गिर जाता है तो इस ये आपका डेटा सिक्योर नहीं है यहाँ पर, और आपका डेटा क्रैश हो जाएगा, आप डेटा रिकवर भी नहीं कर सकते। और आज की डेट में अगर आप डेटा रिकवर कराने जाते हैं मार्केट के अंदर तो डेटा रिकवरी के बहुत ज़्यादा चार्जेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है वो राउंड पर मिनट में मिलता है, मतलब इसके अंदर प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं राउंड पर मिनट के अकॉर्डिंग 7200 5400 RPM से मूव करती हैं, तब आपको डेटा की रीड राइट स्पीड मिलती है। लेकिन इसके अंदर सीधा डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है तो इसके अंदर आपको 100 GBPS तक की स्पीड मिल जाती है, तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो 15 टाइम तक बोल सकते हैं कि 15 टाइम तक फास्टर होता है बेटर देन हार्ड ड्राइव। अब मैं इसके आपको नेगेटिव, इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पॉइंट ही बता देता हूँ। इसका नेगेटिव पॉइंट अभी जो फ़िलहाल में है वो ये है कि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर ये अगर आप SSD वाला कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करते हैं तो उसका प्राइस आपको ज़्यादा पड़ेगा बेटर देन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव वाला कोई भी डिवाइस लेते हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसका प्राइस कम रहता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि आपको यहाँ पर स्टोरेज कम देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जो भी मार्केट में स्टोरेज मिलेगा जो रेगुलर है वो आपको 512 GB का SSD मिलेगा, और हार्ड ड्राइव आपको 2 TB 6 TB तक इजीली मार्केट में मिल जाएगा और प्राइस भी कम रहता है बेटर देन SSD, तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको हार्ड ड्राइव मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ड ड्राइव क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए हार्ड ड्राइव के लिए मैं ज़्यादातर आपको बोलूँगा अगर आपका स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको सपोज दैट आप वीडियोज़ का काम करते हैं, फ़ोटोज़ का काम ज़्यादा है आपका, तो आपको डेटा की ज़्यादा स्टोरेज की ज़्यादा नीड होगी तो आपको हार्ड ड्राइव लेनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या है कि आपको इसे सेकेंडरी लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये नहीं कहूँगा SSD को आप अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब पूरा आप हार्ड ड्राइव पर काम नहीं कर सकते, आप इसे एज ए स्टोरेज के लिए डिवाइस को यूज कर सकते हैं लेकिन आपको SSD फिर भी लेना पड़ेगा। तो एक एक ये प्लस पॉइंट है, अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो कम पैसे में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है तो इसका एक यूज प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको SSD ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको इन दोनों का मैं और एक और ख़ास बात मैं आपको लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ इन दोनों के बारे में। देखिए अगर आप ये जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव धीमे धीमे ऑप्सिलीट हो जाएगी, और अभी इसीलिए ऑप्सिलीट नहीं हो रहा है मार्केट से क्योंकि लोगों को प्राइस मैटर करता है, जहाँ प्राइस मैटर करता है इसलिए ये हार्ड ड्राइव आपको अभी तक हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप और हार्ड ड्राइव वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आप नया लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, नया कोई भी डिवाइस प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर स्टोरेज होता है, तो मैं आपसे कहूँगा SSD ही बाय करें क्योंकि आने वाले समय में हार्ड ड्राइव ऑब्सोलीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा अलग उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो कंप्यूटर आते थे मॉनिटर कंप्यूटर के, वो TV वाले होते थे CRT मॉनिटर, कितने बड़े बड़े मॉनिटर होते थे, तो वो ऑब्सोलीट हो गया, उसकी जगह LCD आ गया,
उसके बाद में फिर LED आ गया, और अभी आपको LED देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लुक वाइज भी, लाइट वेट भी होता है बहुत सारा उसमें परफॉर्मेंस। सेम ऐसे ही है IT फील्ड में, नई पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, नई चीज़ें मार्केट में अडोप्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और मैं आपसे सभी से कहूँगा, अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो एंट्री लेवल है चाहे वो बिल्कुल कम पैसे का है, फिर भी मैं आपसे कहूँगा, अगर उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट SSD नहीं है तो SSD का स्लॉट आप उसमें देखें, और उसके बाद उसमें SSD कस्टमाइज़ कराएं, क्योंकि अगर आपके पास SSD नहीं है तो आपका सिस्टम 100% स्लो होगा। और चाहे, और अभी आप विंडो 10 अगर यूज़ करते हैं तो आपका बिना SSD के काम चलेगा नहीं, चाहे आप रैम कितनी भी अपग्रेड करा लेना, क्योंकि मैंने लाइव परफॉर्मेंस इसका देखा हुआ है और बहुत सारे इशू देखे हुए हैं। सिर्फ रैम से आपको आपको जो लैगिंग है वो कम हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको SSD से ही मिलेगा। तो आपको SSD मस्ट है, सारे लोगों के लिए SSD मस्ट है, और हार्ड ड्राइव आप स्टोरेज के लिए ले सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट है इसके लिए। तो मैंने आज आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, टोटल SSD के बारे में और हार्ड ड्राइव के बारे में सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बता दी। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं लैपटॉप के बारे में या डेस्कटॉप के बारे में, IT फील्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर उसके ऊपर या तो वीडियो बना के बताऊंगा, या प्रॉपर मैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, तो आपको प्रॉपर अपडेट्स आते रहेंगे, और मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।